दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आईपी यूनिवर्सिटी का कैंपस देश को किया समर्पित। जी हां, आपको बताया चले कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी यूनिवर्सिटी के कैंपस को देश को समर्पित कर दिया है। इस दौरान लोगों से बातचीत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली के लोगों को बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्किटेक्चर और फैसिलिटी में देश में वन ऑफ द बेस्ट कैंपस आईपी यूनिवर्सिटी का है। आसपास की अर्थव्यवस्था को भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बताया चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा राजधानी दिल्ली में लगातार शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और लगातार शिक्षा को सबसे ऊपर रखकर लगातार उस पर काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी यूनिवर्सिटी का कैंपस देश को समर्पित किया है। आज आईपी यूनिवर्सिटी का ये ईस्ट कैंपस देश को समर्पित किया जा रहा है। अभी हम सब लोगों ने इस कैंपस को घूम के देखा, इतनी शानदार फैसिलिटीज, इतना खूबसूरत कैंपस। ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से परहैप्स दिस कैन बी काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस इन द कंट्री। इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी कैंपस बन के तैयार हुआ। और ख़ास तौर से ईस्ट दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ, ईस्ट दिल्ली में इस किस्म की यूनिवर्सिटी या कैंपस नहीं था। सब लोगों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओपी शर्मा जी को बधाई देता हूँ, उनकी विधानसभा में ये कैंपस तैयार हुआ। इस तरह की यूनिवर्सिटी जब बनती है, यहाँ पे 2500 बच्चे पढ़ेंगे लगभग, इसकी कैपेसिटी 2500 बच्चे होंगे। इस तरह की जब यूनिवर्सिटी बनती है तो आसपास की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे आएंगे, रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, खूब सारी आसपास दुकानें खुलेंगी, कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर्टिकुलर विधानसभा को अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अभी मेरी कुलीग आतिशी जी ने बताया कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 7-8 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। एक तरह से पहले हमारे देश के अंदर एक तरह से दो किस्म का शिक्षा व्यवस्था है, एक सरकारी स्कूल होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीब हो, रिक्शा वाले हो, मजदूर हो, तो आप अपने बच्चे को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजा करते थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत ख़राब होती थी, लेकिन पिछले 7-8 साल में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो नतीजों से भी दिखाई देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी दिखाई देता है। वो एक सेक्टर था स्कूली शिक्षा, और फिर स्कूल के बाद 12वीं के ऊपर वाली शिक्षा। तो 12वीं तक की शिक्षा में तो हमने एक तरह से दिल्ली में एक मॉडल तैयार कर दिया, एक तरह से एक सिस्टम तैयार कर दिया। भाई अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, नतीजे भी 97, कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना, हाथ जोड़ के